हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। क्योंकि अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो मैं कहूँगा कल का सेशन एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या कहा था आप नोट कर सकते हो कि एक रेंज के बाद बहुत ज़्यादा मुंह ऊपर की तरफ या एक रेंज के बाद बहुत ज़्यादा मुंह नीचे की तरफ, एंड मोस्टली मार्केट ट्रेंड लाइन में मूव हो रहा है। और आज अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा मार्केट ने वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, उसी रेंज में मूव हुआ, ना ही बड़ी ऊपर की मूव आई ना ही बड़ी नीचे की मूव आई, बट बस मार्केट ट्रेंड लाइन या फिर जो चैनल है नीचे की तरफ उसको फॉलो करते गया। सो विद दिस आगे का आज क्या हो सकता है बहुत सिंपल रहेगा, ना ही मुझे आवरली डेली या वीकली एनालिसिस करना है, क्योंकि जो भी होगा कल 15 मिनट्स चार्ट में आपको अच्छा खासा उसका एनालिसिस मिल जाएगा। सो जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम मैं यहाँ पे आता हूँ आपका ना बैंक और निफ्टी का एनालिसिस लेके, एंड वॉट एवर आई टीच इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज। अगर आपने इंट्राडे के लिए टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो बहुत ज़्यादा एक्शन आप मिस कर रहे हो, और अगर आपको फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज चाहिए तो तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। सो विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट कि कल क्या हो सकता है। बहुत ही मज़ेदार होगा, एंड तक बने रहना क्योंकि ये सेशन बहुत स्पेसिफिक 15 मिनट्स चार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, वेरी वेरी सिंपल, कल का ही जहाँ पे हमने एनालिसिस छोड़ा था वही एनालिसिस हम फॉलो कर रहे हैं। आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन हमेशा अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट हो रही है, बट आज कुछ तो अलग हुआ यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये हो गया निफ्टी बैंक, और मैं आपको निफ्टी का भी एनालिसिस बताऊंगा, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ पॉपुलर डिमांड मैं एक बार निफ्टी बैंक पहले करूँगा, उसके बाद में निफ्टी का एनालिसिस करूँगा। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल नाउ, क्योंकि बीच में ही इतना बड़ा स्पाइक आया निफ्टी बैंक में, राइट? तो अब होने क्या वाला है आप देख लो, यानी कि स्पाइक आया, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक हो गया, इसके नीचे चला गया। अब ये जो पॉइंट है ना 33185, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, और यहाँ से जो स्पाइक आएगा अगर आया तो, यानी कि आपको इमिडिएटली ये अज्यूम नहीं करना है कि स्पाइक आएगा ही, बट यहाँ पे मार्केट की वोलेटिलिटी यानी कि बड़ा मूव आइदर डायरेक्शन में आ सकता है। अगर ऊपर के डायरेक्शन में बड़ा मूव आया, कुछ इस तरीके से आपको बड़ी कैंडल दिखी, तो आपको क्या करना है, पहला टारगेट क्या रहेगा, स्ट्रेट अवे आप देखोगे तो 33,600 के आसपास मार्केट जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ पॉसिबल, होता है ऐसे, तो आप ये ऑब्जर्व करना। और अगर समझो यहाँ पे जाके जाके थोड़ा सा ऐसा आके फेलियर हो गया ना, तो स्ट्रेट अवे आप देखोगे 32,007 पहला टारगेट 33 का आएगा, और उसके बाद में 32,700 आएगा नीचे के तरफ पे, T2, ये हो गया T1, और कहाँ पे 33185, गोल्डन फिगर फॉर बैंक निफ्टी, याद रखना। और मे बी ऐसे होगा कि कल मॉर्निंग में मार्केट गैप डाउन यहाँ पे हो जाए या धीरे धीरे यहाँ पे आ जाए, बट ये 33185 इज़ लाइन ऑफ एक्शन। दिस इज़ फॉर ऑल पीपल हु इन्जॉय बैंक निफ्टी, उनके लिए पहला एनालिसिस। और ऊपर के तरफ क्या है, तो वापस आप देखोगे तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो मैं कहूँगा ये 33,700 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ऊपर के जाने के चांसेस फ़िलहाल ये सेटअप में थोड़ा मुश्किल है, और अगर 33,500 के ऊपर जाता है तो आप देखोगे 33,700 भी आ जाएगा। तो ये नंबर ऊपर के तरफ याद रखना, और जो मेन नंबर है हमारा दैट इज़ 33,185, जहाँ पे एक सुपर बुलिश या सुपर बेरिश मूव आ सकती है। और क्यों आ सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ओके, ये एक हो गया। अब मैं निफ्टी पे आता हूँ बहुत ही फास्ट, निफ्टी में क्या होगा आइए देखते हैं। देखो निफ्टी का मैं थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर निकाल देता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स, रिमूव इंडिकेटर्स, ओके, और मैं देखता हूँ कि आज क्या निफ्टी में हुआ है। तो जो कल की जो ट्रेंड लाइन थी एग्जैक्टली आप देखो,
ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने देखा, रिजेक्शन मिला, फेल हुआ, वापस ट्राई करने को देखा, वापस रिजेक्शन मिला, फेल हुआ, ओके तो ये एक चीज़ हो गई। नीचे के तरफ कहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो मैं देखो ये पैरेलल निकालने में कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ लॉजिक बनता नहीं है, बट स्टिल इट मेक सेंस, क्योंकि लास्ट टाइम अगर इतना ऊपर आया है, वापस उतना नीचे आया है, दो बार नीचे आया है, तो इट मेक सेंस। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर इसके नीचे चला गया मार्केट, ओके 15735, यानी कि आप देखोगे कल ये डबल टॉप जैसे भी फॉर्म हो रहा है, तो कल बहुत अच्छा चांसेस है कि मार्केट 15634, ओके और उसके बाद में थोड़ा सा गैप अप और फिर ये लेवल आने के 15600 आने के, ओके सो ये हो गया T1 आपका, ये हो गया T2 आपका। मॉर्निंग में ही आपको कुछ एक्शन दिख सकता है। लॉन्ग कब जाना है पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है कि ये ट्रेंड लाइन को सिर्फ ब्रेक करने से नहीं, यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन को सिर्फ ब्रेक किया बट ये गलत है, रीटेस्टिंग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए रीटेस्टिंग ये भी बताता हूँ, ऐसी रीटेस्टिंग, ओके ऊपर ब्रेकआउट किया, बाद में एक नीचे के तरफ रीटेस्टिंग की, और फिर अगर ग्रीन कैंडल आता है तो आप कॉन्फिडेंटली इसको, जो हमने पहले भी कहा था कि ऊपर के साइड पे 16 के पहला टारगेट और 16120 भी आ सकता है जो कि टारगेट 2 होगा, राइट चांसेस वापस आप देख लो, क्योंकि आप मुझे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ओके अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी कि 15800 के ऊपर मार्केट जाता है, कुछ 15 मिनट्स में कैंडल होती है, रीटेस्टिंग होता है, वापस कैंडल बनती है, पिछले वाले रीटेस्टिंग कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, फिर ही जाके आप ये सब देखना, उसके पहले कुछ मत सोचना, पुट में ही रहना, क्योंकि पुट के आने के चांसेस ज़्यादा है, ओके 15634 आने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू कॉल साइड। तो पूरा आपको मैंने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया, कल कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होने में है, 80-85% डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा, 15634 का टारगेट 1, उसके बाद में 15600 का टारगेट 2, राइट और मैं कहूँगा 20-30% अगर इसके ऊपर गैप अप हुआ, सस्टेन हुआ और मॉर्निंग में ही ऊपर चला गया तो ही आ सकता है, राइट उसके बदले नहीं आ सकता है, क्योंकि ये आज इतने बार हिट करके नीचे गया, ये वीकनेस दर्शाता है। और कल अगर आपको याद रहेगा मैंने कुछ डेली चार्ट में कैंडल्स भी बताए थे कि कैसे ये मीन्स कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है, आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। इफ़ यू हैव फॉलोड यस्टरडे, ये देख रहे हो आप फॉलिंग थ्री बन गया, इसका मतलब क्या है कि कल एक अच्छा खासा रेड दिखना चाहिए, क्योंकि तीन बार अटेम्प्ट किया नहीं ऊपर जा रहा है, तो अब जाके थक गए हैं बुल्स, अब कल बेयर्स आएंगे, ये फॉलिंग थ्री का कंसेप्ट है। और डबल टॉप भी दिख रहा है, वेरी वेरी रेयरली 20% इज ओनली द चांस कि 15800 के ऊपर आएगा, रीटेस्टिंग भी करेगा और फिर निकल जाएगा 16K के लिए। तो ये आज के लिए मेरा दोनों का शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस, एक बार निफ्टी ट्रेडर्स आपको दिखा देता हूँ ताकि जो ओपन इंटरेस्ट जानना चाहते हैं वो देख सके कि ओपन इंटरेस्ट में हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी, ये हो गया कैलेंडर में, ओके निफ्टी, बैंक निफ्टी, करंट साइन इन विद गूगल दिखा रहा है, ओके ये हो गया करंट। ये 7 जुलाई में हमें क्या दिखा रहा है कि 50-50 है, ओके 15700 पे सपोर्ट है, 15900 पे थोड़ा सा वीक रेजिस्टेंस है आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा
ऊपर के तरफ झुका हुआ है कंपेयर टू नीचे के तरफ, बट नाइदर वेज कभी कभी सच में टेक्निकल एनालिसिस ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा ये होता है, तो ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ऊपर के तरफ मार्केट जाने के झुका हुआ है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, एंड टेक्निकल एनालिसिस कुछ और बता रहा है, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कुछ और बता रहा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको एक मीन्स मैं कहूँगा चार ट्रेड ले, चार लॉट्स लेते हो तो तीन लॉट्स लेना चाहिए, या थोड़ा सा कम ट्रेड करना चाहिए जब तक कि ओपन इंटरेस्ट अलाइन ना हो जाए। एंड ऑफ कोर्स ये बैंक ये जो है ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस है, बट स्टिल यहाँ पे जो दिखा रहा है उसके हिसाब से आप देखोगे 16K रॉक सॉलिड सपोर्ट, 15900 का रेजिस्टेंस इतना अच्छा नहीं बना है जितना कि 15700 और 15600 का सपोर्ट बना है। दिस इज़ ऑल इन ओपन इंटरेस्ट, नथिंग एल्स, सी यू टुमारो। एंड जो ट्रेंड लाइन है और डबल बॉटम डबल टॉप का पैटर्न फॉर्म हुआ है उसको फॉलो करना, आराम से आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे। एंड हम तो है ही आपको टेलीग्राम चैनल में गाइड करने के लिए, अगर पसंद आया तो लाइक बेल बटन हिट करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट करना, मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसके नीचे रिप्लाई भी देता हूँ। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।